राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज से संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय तय किया गया है। पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर 2 या 3 जुलाई को जवाब देंगे। नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री संसद में जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक को लेकर सरकार की तरफ से जवाब देंगे। आपको बता दें, पेपर लीक के चलते छात्र नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और आज संसद का सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। नीट पेपर लीक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज इंडी गठबंधन संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा और दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग कर सकता है। इसके अलावा सोमवार को इंडी गठबंधन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर संसद में प्रोटेस्ट करेगा। इसको लेकर कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडी गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें संसद कार्यवाही को लेकर रणनीति बनाई गई। नीट पेपर लीक का मुद्दा सड़क से अब संसद पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पेपर लीक के मसले को गंभीर बताया। साथ ही उन्होंने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए साफ साफ कह दिया कि इस मसले पर राजनीति से हटकर सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा है। पेपर लीक के वीक सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है, आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों? जब इस सवाल की गूंज सदन में उठी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में नीट पेपर लीक का जिक्र कर दिया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घोटाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति ने कहा, भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। पेपर लीक पर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक की घटनाओं में निष्पक्ष जांच हो रही है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से पेपर लीक का जिक्र करने के दौरान विपक्ष जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध। हमारे पहली भी इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। दरअसल जिस तरह पिछले दिनों परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गए, उसकी गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस शहर शहर प्रदर्शन कर रही है। जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें पहले, उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था प्रश्न। इस पर सफाई दें, सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। ये इस पर कार्रवाई चल रही है,
हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं, भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। नीट पेपर लीक में बिहार से झारखंड और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन जारी है। बावजूद इसके विपक्ष सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रहा है। जानकारी है कि कल विपक्ष सदन में नीट का मुद्दा उठाएगा तो नीट पर संसद में सरकार जवाब दे सकती है। विपक्ष दोनों सदन में नीट का मुद्दा उठाएगा तो विपक्ष को जवाब देने की तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। संसद में पेपर लीक पर विपक्ष सवाल करेगा तो इस विवाद पर संसद में शिक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं। यानी पेपर लीक का मुद्दा अब काफी गर्म होने वाला है और कल के सत्र में बवाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगाने की तैयारी में है, तो सरकार भी एक एक सवाल के जवाब तलाश चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।